नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और भाई आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में, जहां पर आपको फास्ट अप्रूवल मिल जाता है और कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पूरी की पूरी टॉप 10 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां से आप इंस्टेंट आप लोन ले सकते हो। कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी हो गई है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, तो इनमें से किसी एक ऐप के माध्यम से आप जा सकते हो। और इनमें से जो टॉप 10 लोन ऐप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनमें से काफी सारी ऐसी ऐप है जिनके माध्यम से मैंने लोन लेके आपको दिखाया भी है, सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप जो है जॉब करते हो, या फिर आप जॉब नहीं करते हो, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हो, तो भी आपको इन ऐप के माध्यम से लोन मिल जाएगा। बट देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके, मैं आपको प्रेफर करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि भाई जितना हो सके बैंक से आप लोन लीजिएगा। अगर बैंक से आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप इनमें से ऐप के माध्यम से आप जा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इनमें से कुछ ऐप तो ऐसी हैं जो ओनली आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड पर आपको जो है लोन प्रोवाइड करती है इंस्टेंट। कोई भी बैंक का डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, ना ही आपको बैंक की स्टेटमेंट देनी है, और आप जॉब नहीं कर रहे हो तब भी आपको लोन मिल जाएगा। कहने का मतलब है KYC के बेस पर आपको लोन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, पहली जो लोन ऐप है इस ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस। जी हाँ, ट्रू बैलेंस ऐप के ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। तो ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से आप 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो, और लोन दिया जाएगा RBI लाइसेंस जो NBFC रहती है उनकी तरफ से। अब इस ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट भी मैंने पिंग कर दिया, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल, अपना मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, जब ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी रहती है, और OTP आएगा आपके मोबाइल पर, OTP मेंशन करके वेरीफाई करना रहता है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन लेना है, तो यहाँ पर लेवल आप लोन दिया जाता है 1,000 रुपये से लेकर कम अमाउंट का लोन चाहिए 5,000 रुपये तक का, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, 3 महीने के लोन के लिए लोन दिया जाएगा। अगर आप जॉब करते हो, 5,000 से ज़्यादा अमाउंट का आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर यहाँ पर कैश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैश लोन आपको 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आपको मिल जाता है। तो ये पहली ऐप है, इसका नाम है ट्रू बैलेंस। इस ऐप के माध्यम से आप 1,00,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं इस ऐप की रेटिंग की। देखिए, रेटिंग अच्छी होगी तभी आपको पता चल पाएगा कि भाई ऐप कितनी जेन्युइन है। तो देखो, यहाँ पर मैं आ गया हूँ प्ले स्टोर पर, तो ये ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप है। यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इनके रिव्यू भी आप रीड कर सकते हो कि लोग किस तरह का रिव्यू दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ए ग्रेट ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस ओनली, ये देख सकते हो। यहाँ पर आप रिव्यू पढ़ लीजिए, और जब रिव्यू देखेंगे, अगर आपको रिव्यू अच्छे लगे तो फिर आप इस ऐप के माध्यम से लोन के लिए जा सकते हो। तो पहली तो ऐप ये है ट्रू बैलेंस ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप 1,000 रुपये से लेकर आप 1,00,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। मैक्सिमम आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी लोन ऐप के बारे में। दूसरी लोन जो ऐप है ना, इस ऐप का नाम है MoneyView। जी हाँ, MoneyView भी काफ़ी अच्छी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप 1,00,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। MoneyView ऐप का भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है सिंपल अपना नाम मेंशन करना रहता है जो आपके पैन कार्ड में है, और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का लास्ट नेम, एजुकेशन सेलेक्ट करनी रहती है, कितना लोन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पर सैलरीड पर्सन है, और यहाँ पर सेलेक्ट करके आप जो इसके माध्यम से आप लोन ले सकते हो MoneyView ऐप के माध्यम से। MoneyView ऐप भी जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। अब इस ऐप की रेटिंग की भी बात कर लेते हैं। ऐप की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप की काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 4.0। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो MoneyView लोन। यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 4.8 की रेटिंग है, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं इस ऐप के। इस ऐप पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मिनिमम आपको 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, 3 महीने से लेकर 5 साल के लिए। APR की बात करें तो यहाँ पर APR जो है इनका 10% से लेकर 39% का रहता है, और इनके जो लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनके लैंडिंग पार्टनर्स
है। तो ये दूसरी ऐप है मनीव्यू ऐप, इस ऐप के माध्यम से भी आप 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। इस ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी लोन ऐप के बारे में। तीसरी जो लोन ऐप है, इस ऐप का नाम है ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप। इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। ऐप की रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है। इस ऐप के माध्यम से आप 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। और यहाँ पर लोन दिया जाएगा 62 डेज से लेकर 12 मंथ के लिए, यानी कि मैक्सिमम 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। और इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा 2% से लेकर 4% के बीच में रहेगा। और अगर आप 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। APR 72% का रहेगा और जो मंथली इंटरेस्ट रेट 2.5% का। प्रोसेसिंग फीस 899 रुपये, GST 161 रुपये, इंटरेस्ट 1510 रुपये, EMI बनेगी 7,170 रुपये की। तो 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 18,940 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और वापस आपको पे करना पड़ेगा 21,510 रुपये। तो इस ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हो 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का। और यहाँ पर 100% पेपरलेस प्रोसेस है। अगर आप इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन है, शॉपिंग के लिए लोन लेना चाहते हो, होम रिनोवेशन के लिए लेना चाहते हो, एजुकेशन के लिए, व्हीकल के लिए, ट्रेवल के लिए, शादी के लिए, स्टूडेंट लोन लेना चाहते हो, तो आपको इस ऐप के माध्यम से लोन मिल जाएगा। सेफ एंड सिक्योर लोन ऐप है ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोन का जो ऑप्शन है आप प्रेस कीजिए और सिंपल अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अभी हमारा दिखा रहा है, मैंने एक ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, स्टूडेंट थे, और उनका मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर उनका जो लोन अमाउंट अप्रूव हुई थी वो 1500 रुपये अप्रूव हुई थी। और यहाँ पर जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कितनी अमाउंट का लिए लोन लेना है, 31 दिन के लिए लेना है, 32 डेज के लिए लेना है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिखा देगा, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप 2 लाख रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। इस ऐप का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं नंबर 4 लोन ऐप के बारे में। नंबर 4 पर जो लोन ऐप है, इस ऐप का नाम है क्रेडिट बी। इस ऐप की रेटिंग देख सकते हो, 4.5 की रेटिंग है। इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको लोन मिलता है 1,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का। और इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है 17% से लेकर 29.95% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट इनका स्टार्ट होता है। टर्नओवर मैक्सिमम आप 3 साल के लिए लोन ले सकते हो, 3 महीने से लेकर। और APR 0% से लेकर 70% का APR रहेगा। लो ट्रांजेक्शन फीस है, क्विक लोन एंड इजी EMI का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो क्रेडिट बी ऐप भी जो है काफ़ी अच्छी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो देख सकते हो, यहाँ पर इनके जो है लैंडिंग पार्टनर है। और यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, फ्लेक्सी पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन है। ऑनलाइन 1,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये के लिए 3 महीने से लेकर 10 महीने के लिए लोन मिलेगा। ओनली आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के बेस पर आपको लोन मिल जाएगा। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये का। और 3 महीने से लेकर 36 मंथ के लिए लोन मिल जाता है। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और सैलरी प्रूफ आपको देना रहेगा। बिजनेस लोन 10,000 रुपये से लेकर 4 लाख का मिल जाएगा 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के बेस पर। और इस ऐप के माध्यम से अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 12 महीने के लिए 1 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 20% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्रोसेसिंग फीस 1250 रुपये, ऑनबोर्डिंग फीस नए कस्टमर के लिए 200 रुपये, और यहाँ पर बाकी जो है यहाँ पर ऑनबोर्डिंग GST जो यहाँ पर बता रखा है, जो प्रोसेसिंग फीसेस पर जो GST लगता है उस पर 261 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपने दिया 5,580 रुपये का। EMI बनेगी 4,632 रुपये की। APR 26.92% का APR रहेगा। 50,000 रुपये का लोन लेते तो 48,289 रुपये आपको अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा और वापस आपको पे करना पड़ेगा 55,580 रुपये। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 21 साल की एज होनी चाहिए और मंथली इनकम आपको आ रही है अकाउंट में, तो आपको लोन मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से, क्रेडिट बी ऐप के माध्यम से। तो इस ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 5 लोन ऐप के बारे में। नंबर 5 पर जो ऐप है, इस ऐप का नाम है टाटा कैपिटल लोन ऐप। ये खुद NBFC है। रेटिंग की बात करें तो लगभग 4 की रेटिंग है। तो टाटा कैपिटल ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको जो लोन दिया जाता है 5,000 रुपये से लेकर आपको 10 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाता है। और इंटरेस्ट इनका जो स्टार्ट होता है वो होता है 10.99% से। मैक्सिमम APR रहेगा 26% का। तो यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट पर, कम APR पर आपको लोन मिलेगा। और आप 12 महीने से लेकर 84 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1499 रुपये प्लस GST आपको पे करना रहेगा। अब मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 2 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट 14% का रहेगा। प्रोसेसिंग फीस 2%, और मंथली EMI बनेगी 24,006 रुपये की। और वापस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल 5,75,088 रुपये।
तो इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको बिजनेस लोन दिया जाता है, होम लोन दिया जाता है और पर्सनल लोन भी आपको ऑफर किया जाता है और व्हीकल लोन भी आपको मिल जाता है। तो ये खुद NBFC है, टाटा कैपिटल लोन ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 6 लोन ऐप के बारे में। अगली जो लोन ऐप है इस ऐप का नाम है 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और इस ऐप के माध्यम से अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको लोन मिल जाएगा। ये जो ऐप है आपको 5 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड करती है। बाकी जो है यहाँ पर आपको 3 महीने से लेकर 36 मंथ के लिए आपको लोन मिल जाएगा। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी जो है बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको देनी रहती है। नो कोलेटरल नीडेड, यानी कि कोई लोन लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट से कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। नो फोर्स क्लोजर चार्ज, यानी कि समय से पहले लोन को क्लोज करना चाहते हो तो किसी भी तरीके का आपको जो कोई पेनल्टी कुछ चार्ज आपको देना नहीं रहता। इस ऐप के माध्यम से आप अगर आप 5 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस रहेगी 3% और उस पर 18% GST, तो 11,800 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी। टोटल लोन अमाउंट होगी 5,11,800 रुपये। इंटरेस्ट 20% पर एनुअल के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा 36 मंथ के लिए। 3 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। आपकी EMI बनेगी 20,079 रुपये की और टोटल अमाउंट आपको जो पे करनी पड़ेगी, वापस पे करनी पड़ेगी 6,68,952 रुपये और जो टोटल लोन की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,80,744 रुपये और APR रहेगा 25.75% का। अब इस ऐप के माध्यम से लोन लेना है तो आपकी जो एज है 21 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो अगर 15,000 से स्टार्ट होती है तो आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पर बता रखा है नॉन मेट्रो के लिए 15,000 और मेट्रो सिटी के लिए 18,000 सैलरी है तो आपको लोन मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो ये है 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 7 लोन ऐप के बारे में। अगली जो लोन ऐप है इस ऐप का नाम है M-Pocket। ये स्मॉल लोन ऐप है। रेटिंग की बात करें तो 4 से ज्यादा की रेटिंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर सैलरी पर्सन हैं तो आपको इस ऐप के माध्यम से लोन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है 30,000 रुपए तक का लोन मिलता है 500 रुपए से लेकर। मैंने आपको पहले बताया था ये स्मॉल लोन ऐप है, बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लोन दे दिया जाता है आपका जो ID कार्ड रहता है उसके बेस पर। तो देख सकते हो लोन अमाउंट 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। 0% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। 61 दिन से लेकर 120 दिन के लिए आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। तो देखे यहाँ पर अगर आप पैसा लेना चाहते हो बैंक अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में, तो आप ले सकते हो और टाइमली रीपेमेंट करते हो तो आपको रिवार्ड भी दिया जाता है इनकी तरफ से। प्रोसेसिंग फीस एंड लोन मैनेजमेंट फीस की बात करें तो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में रहेगी। 18% उस पर जो है GST रहेगी। APR 142% का APR रहेगा। मैक्सिमम आप जो 120 दिन के लिए आप लोन ले सकते हो। मान लीजिए 2,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। 24% पर एनुअल के हिसाब से जो है इंटरेस्ट ये चार्ज करेंगे और प्रोसेसिंग एंड लोन मैनेजमेंट फीस रहेगी 200 रुपये और GST जो प्रोसेसिंग फीस पर 18% GST लगती है वो रहेगी 36%। टोटल इंटरेस्ट 120 रुपये। लोन अमाउंट यहाँ पर 2,000 रुपये का लोन लेते हो तो वापस आपको पे करना पड़ेगा 2,356 रुपये और जो लोन दिया जाएगा वो RBI रजिस्टर्ड जो NBFC रहती है M-Pocket फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनकी तरफ से लोन दिया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज का जो ID कार्ड रहता है उसके बेस पर आपको जो है लोन मिल जाएगा। आपको कॉलेज का ID कार्ड देना पड़ेगा और आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना रहेगा और आपकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो 9,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आपको लोन मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो M-Pocket भी काफ़ी अच्छी ऐप है, स्मॉल लोन ऐप है। यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, 30,000 रुपये तक का आपको लोन मिल जाता है। तो इस ऐप का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ट्राई करना तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 8 लोन ऐप के बारे में। अगली जो लोन ऐप है इस ऐप का नाम है प्रोफेयर। इस ऐप की रेटिंग देख सकते हो 4 से ज्यादा की रेटिंग है। तो जितनी भी ऐप के बारे में मैंने आपको बताया ना सबकी रेटिंग जो है 4 से ज्यादा की है। यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं या फिर सैलरीड पर्सन हैं तो दोनों को ये जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम आप 3 लाख रुपए तक का आप इस ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हो, 25,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का। और लोन मिलेगा आपको 6 महीने से लेकर 36 मंथ के लिए और इंटरेस्ट रेट 18% से लेकर 36% के बीच में इंटरेस्ट रहेगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3% से लेकर 5% के बीच में प्रोसेसिंग फीस रहेगी। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 12 महीने के लिए 1 साल के लिए आपको लोन मिलेगा और इंटरेस्ट रेट 24% एनुअल के हिसाब से ये चार्ज करेंगे। प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपए और इंटरेस्ट आपने दिया 24,000 रुपए और वापस आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 1,26,000 रुपए। जब बैंक आपको नो बोलता है तो ये जो है आपको यस बोलते हैं। तो प्रेफर ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। इस ऐप का लिंक भी मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऐप है। यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है
मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपए का 25,000 रुपए से लेकर। अब बात करते हैं अगली लोन ऐप के बारे में। 9 नंबर पर जो लोन ऐप है, इस ऐप का नाम है कैसी। ये भी काफी अच्छी लोन ऐप है। रेटिंग की बात करें, इसकी भी 4 से ज्यादा की रेटिंग है। तो कैसी ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हो 1,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का। ये जो ऐप है लोन प्रोवाइड करती है। नो कोलेटरल, यानी कि लोन लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 100% पेपरलेस प्रोसेस है। 0% फोर्स क्लोजर चार्ज है और फ्लेक्सिबल रिपेमेंट पीरियड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हो, यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी जो एज है 21 साल की होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है 25,000 रुपये होनी चाहिए और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना रहेगा। तो इस ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हो। APR चार्ज करते हैं 30.42% से लेकर 44.52% का। 3 महीने से लेकर 18 महीने के लिए आप लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज़्यादा है, 5.5% से लेकर 6.5% के बीच में ये जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। तो ये कैसी ऐप है लोन ऐप, इनके जो लेंडिंग पार्टनर है उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हो 1,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 30,000 रुपये का लोन लेते हैं इस ऐप के माध्यम से, तो इंटरेस्ट रेट जो आपको पे करना रहेगा पर एनुअल के हिसाब से 30.42% के हिसाब से आपको पे करना रहेगा और यहाँ पर 3 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा और जो पर्सनल लोन इंटरेस्ट आपको देना रहेगा टोटल यहाँ पर 2,250 रुपये का। इसके साथ साथ 1947 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे, प्रोसेसिंग फीस हो गई और उस पर जो GST लगता है वो। तो ये माइनस होके आपके 30,000 रुपये का लोन लिया तो 28,053 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और वापस आपको पे करना पड़ेगा 32,250 रुपये और आपकी जो EMI बनेगी, 3 EMI बनेगी, EMI बनेगी 10,750 रुपये की। तो ये कैसी लोन ऐप है, इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। इस ऐप के माध्यम से आपको 1,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का आपको लोन दिया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट नंबर 10 लोन ऐप के बारे में। लास्ट जो लोन ऐप है, इस ऐप का नाम है नावी। नावी ऐप भी काफ़ी अच्छी ऐप है। रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है इसकी और इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। ये खुद NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यहाँ पर आपको लोन के अलावा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हो, आप UPI भी कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बट हम ओनली बात कर रहे हैं हम लोन की। तो यहाँ पर आपको जो है कैश लोन दिया जाता है 20 लाख रुपए तक का और जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 9.9% से लेकर 36% पर एनुअल के हिसाब से चार्ज करेंगे। 3 महीने से लेकर 84 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो और यहाँ पर बता रखा है आपकी जो इनकम है साल की वो 3 लाख रुपए है तो आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि महीने की 25,000 रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको लोन मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से। ये आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का आपको लोन देते हैं, ऑफर करते हैं। अब इस ऐप के माध्यम से अगर आप 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो APR रहेगा 12% का, EMI बनेगी 2,800 रुपये की और आपको 1 साल के लिए लोन मिलेगा। तो 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको वापस पे करना पड़ेगा 33,600 रुपये और आपकी EMI बनेगी 2,800 रुपये की, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है नावी और ये नावी के माध्यम से आप जो होम लोन भी ले सकते हो। बट ये चुनिंदा जो है जो इनकी सिटी रहती है वहाँ पर दिया जाता है होम लोन। आप लोन मिलेगा, ये जो होम लोन है बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद में। तो नावी ऐप के माध्यम से होम लोन मिलता है 5 करोड़ रुपए तक का, 30 साल तक के लिए आप ले सकते हो और यहाँ पर रेफर प्रोग्राम भी चलता है तो आप रेफर करके भी आप ऐसे कमा सकते हो नावी ऐप के माध्यम से। तो ये खुद NBFC है और यहाँ पर लोन के अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नावी ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। नावी ऐप का भी लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको ट्राई करना तो कर सकते हो। तो मैंने जो है टॉप 10 लोन ऐप के बारे में आपको बताया है, काफ़ी अच्छी ऐप है 10 की 10 और इनकी रेटिंग भी मैंने दिखाया 4 से ज़्यादा की रेटिंग है, डाउनलोड भी मिलियंस में है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी ऐप पर मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि भाई उस पर कैसे अप्लाई करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऐप का नाम लिखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भाई इस ऐप पर आप जो वीडियो बनाइए कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आप हमें बताइए, तो मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट मैंने 10 लोन ऐप के बारे में बताया। अगर आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हैं, तो आप लोन ले सकते हो। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।